कैसे हैं आप लोग? इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, सब लोगों को हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। तुम लोगों को वैसे परवाह है नहीं, जो लोग काम धंधे पे जाते हैं वो तो आराम से घर पे बैठ के रिलैक्स कर रहे होंगे, और जो लोग स्कूल जाते हैं किसको चूतिया मना रहे हो, तुम तो वैसे स्कूल नहीं जाते। मैंने नॉनमेड लिया, मैं स्कूल नहीं जाता है, मैं आकाश जाता है। खैर, इस दिन की एक खास बात है, पूरे आसमान में तुम देखोगे पतंग ही उड़ रही होती हैं। फिल्मों में तिरंगे वाले रंग की पतंगे होती हैं, और असलियत में तिरंगे को छोड़ के नीली, पीली, हरी, काली, यहाँ तक कि नियॉन रंग की भी पतंगे उड़ रही होती हैं। फिल्मों की पतंगों पे लिखा होता है मेरा भारत महान, और असली में पतंगों पे लिखा होता है सविता तेरी भाभी है, रूपा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो ये पतंग काटे वो भड़वा। खैर छोड़ो, बन गया आज के लिए स्वतंत्रता दिवस। मेन मुद्दे पे आते हैं। मेरा जो फेवरेट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, मुझे उस पे एक चैनल मिला है, सो एफ एन क्रे नाम है उसका। ये चैनल सही में इतना अजीब है ना, और ऐसे एरा गैरा अजीब नहीं है, ये चैनल सेक्सुअली अजीब है। इनके चैनल पे मुश्किल ही कोई वीडियो होगी जिसके टाइटल में गर्ल नहीं होगा। देखो एक बार जरा, गर्ल गर्ल, ये भी गर्ल 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 गर्ल, कॉपीराइट। अब इस बात में कोई शक नहीं कि सारी वीडियोस लड़कियों के ऊपर होती हैं, और जब भी कोई चीज लड़कियों के ऊपर होती है तो बच्चे और लड़के भगे चले आते हैं उस जगह। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इन्होंने इतनी भैरंड किस्म की क्लिकबेट कर रखी है ना अपने चैनल पे। जिन लोगों को नहीं पता क्लिकबेट क्या होता है, जब तुम्हारे दिमाग में किसी वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के उसे क्लिक करने की चुल मचती है ना, उसे कहते हैं क्लिकबेट। जैसे कि इनकी एक ये वाली वीडियो है, गर्ल पुट्स अ कंडोम ऑन प्लस क्रेजी अनएडिटेड मूवमेंट्स। अब इसके टाइटल और थंबनेल से तुम्हें क्या लग रहा है, थंबनेल के अंदर लड़की है और टाइटल के अंदर गर्ल पुट्स अ कंडोम लिखा है? और मैं सही बता रहा हूँ, जैसे ही कोई बच्चा गर्ल पुट्स ऑन अ कंडोम, सिर्फ कंडोम तक पढ़ेगा ना, उसे बाकी का क्या लिखा उसे फर्क नहीं पड़ता, वो तभी के तभी क्लिक कर देगा वीडियो में। और चलो देखते हैं वीडियो में क्या होता है। Because of increasing population, let's see how Indian girls are aware. Yeah, of course. That's not the cause of population, to be honest, now. But just a demo thing. So I need to put that thing on, right? Yeah. This is actually too slimy, man. Fuck. Okay, great. I'm covering it for you. Do it quick, quick. Yeah, that's fucking easy, man. हो गया पोपट, बन गए चुतिया, अब चुपचाप लैपटॉप बंद करो और बिना हिलाए सो जाओ। वीडियो के टाइटल में लिखा है गर्ल पुट्स अ कंडोम ऑन, और कुछ गलत थोड़ी ना हुआ है, लड़की ने कंडोम लगाया, बस फर्क ये है कि मैडम ने असली नाक की जगह केले पे कंडोम लगा दिया। फिर इनकी एक वीडियो है जो सबसे पॉपुलर है, व्हाट सेक्स टॉयज डू इंडियन गर्ल्स यूज। ये बात तो यार हर बच्चा जानना चाहेगा, चाहे वो गाजियाबाद का हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो या गुजरात का हो, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, उनके फ्यूचर के लिए कितनी जरूरी है ये चीज, तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार। तो जल्दी से एक बार इसकी छोटी सी झलक देखते हैं। Dildos and vibrators are banned in India, right? वीडियो के शुरू होते इतने प्यारे प्यारे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। Dildos and vibrators are... YouTube, मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। एक माना करना, एक सवाल पूछने दे मुझे। ये बता, ये वीडियोस एज रिस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं है? मतलब कि ऐसी टाइप की वीडियोस एज रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, लेकिन वो वीडियो जिसके अंदर काउंटर स्ट्राइक का गेम प्ले चल रहा है वो करेगा तू एज रिस्ट्रिक्ट? यार ये सही है, पहले ही दो शब्द देख के पता चल रहा भाई एज रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, यूट्यूब हमारी वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हम भड़वे हैं, हमने यूट्यूब की पतंग काटी है। सो व्हाट सेक्स टॉयज डू गर्ल्स यूज? सोचो तुम्हारे पास एक कैमरामैन है और एक माइक है जिसके साथ तुम सड़कों पे भटक रहे हो लड़कियों से ये पूछते हुए, मैडम आप कौन सा बर्तन यूज करते हो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, बताओ ना प्लीज मैडम, आप व्यूज चाहिए मैडम, पेट भरना है अपना, प्लीज समझा करो ना, बताओ ना मैडम प्लीज। लगता है इन्होंने धर्म संकट नामक कोई चीज सुनी ही नहीं है। चलो यार कोई नहीं, कॉन्डम वाला चलता है, सेक्स टॉयज वाला दौड़ता है यार, लेकिन फिर ये क्या है? हाउ गर्ल्स मास्टरबेट, इंडियन गर्ल्स रिवील इट ऑल, मस्ट वॉच। अरे मजाक चल रहा है? नहीं यार सही में लोग इस वीडियो पे आते भी कैसे होंगे? ना तो हम डॉक्टर से पूछेंगे, ना हम गूगल पे सर्च मारेंगे, हम youtube.com पे जाएंगे, वहां पर लिखेंगे सो एफरिन क्रे और उसके चैनल पे जाके हाउ गर्ल्स मास्टरबेट देखेंगे, यस। और फिर से मुझे कोई बताएगा ये वाली वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं है? और सिर्फ यही वीडियोस नहीं, तकरीबन इनके चैनल पे सारी वीडियोस ऐसी सी हैं। व्हाई गर्ल्स एक्सपोज देयर नेवल, इंडियन गर्ल्स ऑन हैविंग सेक्स द फर्स्ट टाइम, डू गर्ल्स लाइक बीइंग स्पैंक्ड, हैव यू एवर किस्ड
another girl, what porn do Indian girls watch? और ये वाला तो मेरा personal favorite है. Girls react to real sex toys. ये video मैं दिखा नहीं सकता वरना मेरी video age restrict हो जाएगी. इसलिए मैं बस बता देता हूँ क्या होता है. इसके अंदर ये लड़की दूसरी लड़कियों के पास जा जाके उन्हें dildo दिखा रही है और पूछ रही है what do you think about this? अरे इसमें सोचना क्या है? अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. मेरे को एक तो वैसे ही अजीब लग रहा है और दूसरी बात लोग मेरे तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो. एम करते हैं 12,000 लाइक्स के लिए. मुझे पता है नहीं होने, पता है मुझे नहीं होने, लेकिन बस अपनी खुशी के लिए मैं रख देता हूँ. और अगर तुम लोग नए हो तो वो जो लाल वाला बटन है ना उसके साथ तुम लोग कैरम खेलो या फिर उस पे एसी का रिमोट फेंक के मारो. मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. चलो यार मैं भी जा रहा हूँ, मुझे लड़कियों की प्राइवेट लाइफ के बारे में जानना है. बाय. मोहित अबे ये तो क्या बर्तनों को लेके क्या कर रहा है ये? छोड़ दे ये गंदे काम और कुछ अच्छा लगा इन लोगों के लिए. आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा, गिर के साथ पिया मैंने जीरा सोडा, जैसे मटके में पानी भरता थोड़ा थोड़ा, तुझा ऐसा घोड़ा आता पकड़ मजा लौड़ा, मेरे प्यारे दिल को तूने दगा दिया, मेरे चोए लंड को तूने जगा दिया, तेरी यादों में दिन भर कितना हिलाओ, कितने सारे दोस्तों को मैं दारू पिलाओ, जी करदा मेरे दोस्तों से मिलाओ, उन सबसे चुरा के तुम्हें पानी पिलाओ.